दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन है आपका कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी। देखिए क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जैसे बोध गया में हुई थी। भगवान बुद्ध का जन्म दोस्तों कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। उनकी माता का नाम दोस्तों क्या था, तो उनकी माता का नाम महामाया था, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, उनके लड़के का नाम राहुल था। ऐसे भी प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं। और सबसे पहला ही देखिए, इन्होंने पाली लैंग्वेज में वाराणसी में अपना वो दिया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद ने की थी। जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पूरा ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि दोस्तों कौन सी है, गुरुमुखी लिपि। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा दोस्तों कौन है, तो कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे अगर दक्षिणी पूछता हो तो इंदिरा पॉइंट बताते आप, उत्तरी पूछता तो इंदिरा कॉल बताते आप, सबसे पूर्वी पूछता हो तो किवितू बताते, एंड सबसे पश्चिम पूछता हो तो आपका सरक्रिक। पांचों पॉइंट मैंने बता दिया, इसको याद रखिएगा। पांचों क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अब यहाँ का सीएम देखिए करंट अफेयर से पूछ सकता है, तो ये दोस्तों हो जाएंगे पेमा खांडू, सबसे नवीनतम। एंड अगर आपसे पूछा दोस्तों कि एक है नाम दफा जो कि वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पे दोस्तों, तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है। चलो क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन का मधुमेह, इसी की कमी से दोस्तों बॉडी में मधुमेह होती है। और मधुमेह दिवस हम लोग बाल दिवस के दिन मनाते हैं, मतलब 14 नवंबर को मनाते हैं। बिहू किस राज्य का दोस्तों प्रसिद्ध पर्व है, दोस्तों असम राज्य का प्रसिद्ध पर्व है। एंड असम के सीएम दोस्तों नए बने हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। एंड यहाँ के गवर्नर दोस्तों कौन है, तो जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। आठवां क्वेश्चन, कौन से विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, दोस्तों विटामिन सी, और इसका जो केमिकल नेम क्या है दोस्तों, तो एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार दोस्तों कहां पे हुआ, दोस्तों चाइना में हुआ, हमारा पड़ोसी देश है। इसके साथ दोस्तों हमारा एक सैन्य अभ्यास हुआ था जो परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे हैंड इन हैंड। और इसके साथ हमारी सीमा रेखा दोस्तों कितनी है, दोस्तों 3488 किलोमीटर की सीमा हमारा चाइना के साथ है। गौतम बुद्ध का दोस्तों बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति दोस्तों कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों किस आर्टिकल संबंधित है, आर्टिकल नंबर 52। राष्ट्रपति का इलेक्शन किसमें होता है, आर्टिकल नंबर 54। राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन किसमें होता है, आर्टिकल नंबर 57। राष्ट्रपति शपथ किसमें लेते हैं, आर्टिकल नंबर 60। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है किसमें, आर्टिकल नंबर 61। और राष्ट्रपति जो कि क्षमादान करते हैं मृत्यु दंड को भी कर सकते हैं, तो आर्टिकल नंबर 72 याद रखेंगे। कहां, रामनाथ कोविंद, जो भारत में उत्तर प्रदेश के कानपुर से निवास करते हैं। रतौधी दोस्तों किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों आपका रतौधी हो जाता है। पोंगल किस राज्य का दोस्तों प्रमुख त्यौहार है, ये आपका तमिलनाडु के है। एंड तमिलनाडु के दोस्तों सीएम दोस्तों नए बने हैं, उनका नाम क्या है, एमके स्टालिन। यहाँ पे भी गवर्नर रिसेंटली नए बने, उनका नाम क्या है, आरएन रवि, याद रखेंगे। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य का दोस्तों, तो पंजाब। पंजाब में भी देखिए नए सीएम बने हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं करंट अफेयर भी डिस्कस करता रहूंगा साथ में, तो चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ के नए गवर्नर बने हैं, सीएम बने हैं। यहाँ के गवर्नर भी दोस्तों नए बने हैं, उनका नाम क्या है, बनवारी लाल पुरोहित, जो यहाँ के नए गवर्नर बने हैं। आगे बढ़ते हैं, टेलीविजन का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, टेलीविजन का दोस्तों आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने, ठीक है। 17वां देखिए, भारत में पहली महिला शासिका दोस्तों कौन थी, तो रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली, याद रखेंगे। 18वां देखिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है दोस्तों, तो गलफड़ों की सहायता से लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों किसको दिया गया, भगत सिंह। और भगत सिंह को दोस्तों फांसी कब दी गई, शहीद भगत सिंह को, तो उनको देखिए 23 मार्च 1931, एक दिन पहले ही दे दिया गया था डर के मारे। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन दोस्तों इसी समय हुआ था, और रोलक एक्ट भी इसी समय हुआ था। और अफगानिस्तान दोस्तों एक देश के रूप में एस्टेब्लिश हुआ था, वो भी 1939 में। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बच्चों क्वेश्चन देखिए, पंजाब केसरी दोस्तों किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को दोस्तों हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। 2400 क्वेश्चन देखिए, सॉन्डर्स की हत्या दोस्तों किसने की थी, तो भगत सिंह द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी में विद्रोह किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया दोस्तों, तो मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। 25वां देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल दोस्तों कौन थी, सरोजनी नायडू। एंड पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी, सुचेता कृपलानी। और ये दोनों दोस्तों उत्तर प्रदेश से थी। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली दोस्तों महिला का नाम दोस्तों क्या है, तो संतोष यादव, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों किसने की, राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम दोस्तों क्या था, तो उनका जो मूल नाम था वो था मूल शंकर, क्या था, मूल शंकर। 29 देखिए, वेदों की और लोटो का नारा दोस्तों किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया। 30वां देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया। वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो वास्को डिगामा भारत जो आया था वो आया था 1498 में। वास्को डिगामा कहां पर रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। और पुर्तगाल दोस्तों गोवा पर शासन किया था, कब तक किया था, तो 1961 तक किया था। इसके बाद गोवा को आजाद करा दिया गया, फिर 1987 में गोवा को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया।
हवा महल दोस्तों कहां पे है? तो दोस्तों ये आपका जयपुर में है। सिख धर्म के संस्थापक दोस्तों किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार दोस्तों बैसाखी, याद रखिएगा। लौह पुरुष के नाम से हम सबसे जानते हैं सरदार पटेल। दुनिया सबसे ऊंची जो प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी वो सरदार पटेल की है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। इसको बनाने में दोस्तों कितना लागत लगा? तो 2989 करोड़ रुपए, लगभग 3000 करोड़ रुपए लगे। और राम सुतार इसके जो थे आर्किटेक्ट थे, और L&T कंपनी के द्वारा दोस्तों इसको बनाया गया था, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। 37वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है यहाँ पे? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। रिसेंटली रॉस द्वीप का नाम चेंज करके सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम दोस्तों क्या है? तो उनको विजय घाट कहते हैं। 39वां देखिए, महाभारत रचयिता दोस्तों कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र का नामक पुस्तक दोस्तों किसने लिखी? तो चाणक्य कौटिल्य द्वारा लिखा गया। 41वां जय जवान जय किसान नारा दोस्तों किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। 42वां क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। 63वां के भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तित्व भी हैं, और संविधान का इनको पिता भी कहा जाता है। 44वां क्वेश्चन देखिए, विश्व रेडक्रॉस दिवस की स्थिति को मनाया जाता है दोस्तों? ये 8 मई को मनाया जाता है। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आइडिया लगता है कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस प्रकार क्लासेस चाहिए, तो मैं डेली बेसिस पे क्लासेस उनके लिए मेहनत से ला रहा हूं। तो आप लोग लाइक जरूर बटन दबा देना, एंड कहीं ना कहीं दोस्तों एक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप टेलीग्राम जो भी आपका ग्रुप है उनको भी भेज दीजिए, जिससे उनको भी हेल्प मिले। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो बना रहा हूं, कोई इधर उधर का कोई बकवास नहीं, सब इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको डिलीवर कर रहा हूं। तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। सूर्योदय का देश दोस्तों किस देश का नाम है? दोस्तों जापान को हम लोग बोलते हैं निप्पॉन। 600 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं? दोस्तों 8 मार्च को मनाते हैं। क्षेत्र में दूसरे सबसे छोटा राज्य दोस्तों कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका गोवा। और गोवा के तत्कालिक CM दोस्तों कौन है? प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। चीफ जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्ता। यहाँ का लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, 40 यहाँ की विधानसभा सीट है। ओणम दोस्तों कहाँ का एक राज्य, किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों? तो केरला राज्य का है। केरल राज्य के CM दोस्तों कौन है? पिनाराई विजयन, याद रखेंगे। 49वां क्वेश्चन देखिए, दिल्ली भारत का राजधानी कब बना? तो दिसंबर 1911 में बना था ये। सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों कौन है? शुक्र। शुक्र देखिए चमकीला इसलिए है क्योंकि उसकी गैसीय स्थिति के कारण उसके अंदर का तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। इतना ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी 95% है। सोचिए हमारे वायुमंडल में कितना है? 0.03%। तब हम लोग गर्मी गर्मी करते हैं। अब जहां पे 95% बस कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट्स व्हाई सबसे गर्म ग्रह है। भारत का दोस्तों राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों कौन सा है? मोर, ठीक है, मोर देखिए याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा दोस्तों? तो ये गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा दोस्तों? तो आम, सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ दोस्तों कौन सा है? तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई दोस्तों चौड़ाई अनुपात क्या है? तो 3:2। इसको किसने बनवाया दोस्तों? तो पिंगली वेंकैया द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। यह भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारत का राष्ट्रगान दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? तो भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। भारत का राष्ट्रगीत दोस्तों कौन सा है? वंदे मातरम। और भारत के राष्ट्रगीत को किसने लिखा है? तो बंकिम चंद चटर्जी द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले दोस्तों किसने किया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक चिट्ठी के माध्यम से संबोधित किया था इनको। हमारा राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों कौन है? तो सख्त सहमत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि दोस्तों कितनी है? 52 सेकंड की। रेडियो प्रतियोगिता की खोज दोस्तों किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल द्वारा किया गया था। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से संबंधित दोस्तों? तो पेस मेकर का संबंध आपका हृदय से है। मानव शरीर की दोस्तों किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि को ही कहते हैं मास्टर ग्रंथि, ठीक है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा दोस्तों? तो हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो रोंटजेन द्वारा किया गया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले दोस्तों किया गया? तांबा का किया गया। अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश गंगा कैसे दिखाई देती है दोस्तों? तो काली दिखाई देती है। हम लोग देखेंगे तो हम लोग को नीला दिखाई देगा। दूरबीन का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? तो गैलीलियो द्वारा किया गया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि दोस्तों कहां पे है? तो राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि है। 74वां क्वेश्चन दोस्तों लिखते हैं, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो बंबई से चली थी, जो वर्तमान मुंबई है, थाने तक के लिए। भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई? तो कोलकाता में, जो कि किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? हुगली नदी किनारे, और वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। क्षेत्रबंध के भारत में रेल को आरंभ किस सन में किया गया? तो सन 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री दोस्तों कौन थे? तो दोस्तों ये थे स्क्वाड्रन लीडर्स राकेश शर्मा 1984 में, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, अंतरिक्ष यात्री नहीं होंगे। अंतरिक्ष यात्री जो थे यूरी गागरिन थे, जो स्पुतनिक मिशन था वो। ये चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यहाँ पे।
अच्छा सॉरी सॉरी, भारत 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 है ना, सही है सही है, भारत है तो सही है, मुझे वर्ल्ड में लगा। हाँ सही है, राकेश शर्मा इज द राइट आंसर, मतलब पूरी दुनिया में अंतरिक्ष में आने वाले यूरी गागरिन है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुमित्री सुचिता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, भगवान दयाल शर्मा, अभी कौन है, मनोहर लाल खट्टर है अभी, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 80वां संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 में। 81वां क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पे है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव दोस्तों कौन थे, त्रिवेंगली थे। 83वां क्वेश्चन देखिए, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं, तो 193। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी है, तो 5 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों कहां पे, द हेग हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव दोस्तों कौन है, नहीं बान की मून नहीं है, आप लोगों को कमेंट करके बताना पड़ेगा, ये बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो बताइए बान की मून इस समय नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय दोस्तों कौन थे, बहुत बार क्वेश्चन आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए हो चुने जाते हैं, तो 2 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ 193वां देश दोस्तों कौन था, तो दक्षिणी सुडान था। किस विटामिन के दोस्तों खून की रुका बंद नहीं होती है, तो विटामिन के, अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी हो गई तो आपका खून रुकेगा नहीं, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, तो बहुत जरूरी है। हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। 93वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तो आर्टिकल नंबर 343। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा स्वर्ण पदक जीतने वाले दोस्तों पहले मात्र खिलाड़ी जो बने, अभिनव बिंद्रा, और एक और बने हैं इंडिविजुअल जीतने वाले, अब नीरज चोपड़ा, और 8 बार हॉकी टीम जीत चुकी, अब तक गोल्ड मेडल बस 10 हम लोग जीते हैं पूरी अब तक के इतिहास में। ओलंपिक खेलों का आयोजन दोस्तों कितने वर्षों में होता है, 4 वर्षों में होता है। सन 2016 में ओलंपिक कहां पे खेला गया, रियो डी जेनेरियो में खेला गया। 2020 में कहां खेला गया, तो ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक खेला गया। 2024 दोस्तों कहां खेला जाएगा, जो कि पेरिस में खेला जाएगा। एंड 2028 में कहां खेलेगा, लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। 2024 वाले में डिस्कस थ्रो भी ऐड किया, सॉरी ब्रेक डांस भी ऐड किया जाएगा, और 2028 में आपका क्रिकेट भी ऐड किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सा नस्ल दोस्तों नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो मुरहार जो है यहाँ की प्रसिद्ध भैंस है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर यहाँ पे कहाँ पे है, तो गुड़गांव, जो कि द्रोणाचार्य को दक्षिणा में दिया गया था। ये विशाल हरियाणा पार्टी दोस्तों किसने बनाई थी, तो राव वीरेंद्र